नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर दीपक कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। डॉक्टर साहिब, के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि कौन सी दवाइयाँ किडनी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जो किडनी को ख़राब करने में एक अहम भूमिका निभाती है, और अगर किसी के लिए वो दवाइयाँ खाना मजबूरी है तो ऐसे में वो इंसान क्या करे। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हम अक्सर ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती है जो डायरेक्टली किडनी को अफेक्ट करती हैं, जिनका प्रभाव सीधे सीधे किडनी की कुशलता पर पड़ता है, तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को आज ये समझाएं कि कौन सी दवाइयाँ हैं, और अगर मजबूरन उन्हें इसका सेवन करना पड़ ही रहा है तो फिर क्या कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके पास। ये सही बात है। सबसे मोस्ट कॉमन अगर दवाई से रिलेटेड किडनी की प्रॉब्लम होती है तो कॉमन प्रैक्टिसेस में जो महिलाएं या फिर जो जेंट्स पीपल होते हैं वो आर्थराइटिस के पेशेंट्स पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर में NSAID ग्रुप का बहुत सारे दवाइयां होती है, तो ये अगर लंबे समय तक बिना किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के एडवाइस के अगर वो लगातार लंबे समय तक हाई डोज में वो इस दवाई का सेवन कर रहे हैं तो NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लंबे समय में किडनी को डैमेज कर सकते हैं। NSAID ग्रुप ऑफ ड्रग करता क्या है कि किडनी में जो वेसल्स होती हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, एफरेंट आर्टेरियल और इफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट मतलब कि शरीर के डिफरेंट ऑर्गेन से किडनी को ब्लड सप्लाई पहुंचती है, और इफरेंट आर्टेरियल जो प्योरीफिकेशन होने के बाद किडनी से जो 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 ब्लड होती है वो वापस जो किडनी से बाहर जाती है उसको इफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं। तो NSAID जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकता है, तो वो एफरेंट आर्टेरियल को वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं जिसके कारण किडनी को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती। तो NSAID ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसमें से कि आजकल के कॉमन प्रैक्टिस में जितने भी पर्संस होते हैं वो आइबुप्रोफेन या फिर डाइक्लोफिनेक या निमोसिलाइड, ये कॉमन NSAID ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिसका कि महिलाएं आर्थराइटिस से जो ग्रसित होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक इसका बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के लेते रहती हैं, तो ये किडनी को डैमेज कर सकता है। दूसरा, बहुत सारे एंटीबायोटिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जैसे क्विनोलोन्स, ये किडनी में इंटरस्टिशियल डिपार्टमेंट होता है जो पार्ट होता है उसको डैमेज करती है। इंटरस्टिशियम वेसल्स और किडनी पैरेन्काइमा के बीच का जो जगह होता है उसको बोलते हैं। तीसरा, बहुत सारी महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लेती हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई होता है उसको इनहिबिट करता है, तो ये भी लंबे समय में जाकर के किडनी को डैमेज करती हैं। चौथा, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो कि हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें से कि रैमिप्रिल हो गया, बाकी लिसिनोप्रिल हो गया, तो ACE इनहिबिटर और ARB जो कि कॉमन फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं, ये भी अगर बिना एक्सपर्ट डॉक्टर के एडवाइस के हाई डोज में अगर मरीज लेता रहता है और इस दवाई लेने के साथ साथ सीरियल किडनी से रिलेटेड अगर टेस्ट नहीं हो रहे हो तो ये भी ना चाहते हुए किडनी को डैमेज कर सकती है। तो कहने का मतलब एनाल्जेसिक ACE ARB प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंड सम डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स अगर लंबे समय तक कोई मरीज बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के अगर ले रहे हैं तो ये अलग अलग तरीके से किडनी को डैमेज करते हैं। तो इसका इसका उपाय तो या तो फिर डॉक्टर के एडवाइस से उसके जो प्रिस्क्राइब डोज है अगर उसके डोज को कम करके हम लोग एडवाइस कर सकते हैं तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है, लेकिन अगर हम तो यही बोलते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर ड्रग से अगर उस मरीज को प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर उसी ग्रुप के कोई दूसरे ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाए या कम्प्लीटली उसको रोक करके उसी से मिलता जुलता काम जो कि लंबे समय में उस मरीज को उस दवाई लेने से फ़ायदा हो तो दवाई को ही चेंज कर दे, तो ये सब हम लोग इंटरवेंशन ले करके मरीज को ड्रग रिलेटेड जो भी किडनी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि आपने कहा कि कोई लंबे वक्त से ऐसी दवाइयां ले रहे हैं बिना चिकित्सक के परामर्श के, उसके बाद जब दिक्कत होने लगे तब वो डॉक्टर से एडवाइस लें और डोजेस चेंज कर लिए जाए, लेकिन वैसे लोगों का क्या करें जिन्हें ये दवाइयां लेना पड़ रहा है मजबूरन, तो उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? मजबूरन लेना पड़ रहा है जैसे कि NSAID ग्रुप में है तो मैं यही बता देता हूँ कि NSAID ग्रुप में पैरासीटामोल,
वन ऑफ द सेफेस्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है, जिसका फंक्शन एनएसीआईडी का जैसा तो है, लेकिन वो एनएसीआईडी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो पारासीटामोल अगर किसी मरीज को दर्द हो रहा है तो सेफली वो लंबे समय तक ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रामाडोल, ट्रामाडोल मॉर्फिन ग्रुप का ड्रग है, उसको भी अगर चिकित्सीय परामर्श के बाद एनएसीआईडी ग्रुप ऑफ ड्रग से चेंज करके ट्रामाडोल या फिर पारासीटामोल पे शिफ्ट किया जाए तो मरीज सेफली उस क्लास के एक्शन को मेंटेन करते हुए लंबे समय तक किडनी के प्रॉब्लम को भी दूर रख सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि कोई मजबूरी अगर हो कि उसी ग्रुप ऑफ ड्रग को लेना है तो उसमें से भी जो मोर किडनी फ्रेंडली जो जो दवाइयाँ होती है वो तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो उनके एडवाइस के बाद ही उस दवाई जिससे कि किडनी को डैमेज हो रहा है उसको चेंज करके मोर किडनी फ्रेंडली ग्रुप ऑफ ड्रग्स को स्टार्ट करनी चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।